नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है। प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी आजमाया हुआ एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो कभी फेल नहीं हुआ। और यह तरीका है क्या? इस तरीके से आप अपने साथ साथ लोगों की भी मदद कर सकते हैं, लोगों के जीवन में खुशियां दे सकते हैं, लोगों के काम बना सकते हैं और उनसे यश, आशीर्वाद और मान सम्मान सब पा सकते हैं। तो ये कैसे होगा, चलिए हम बताते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है, तो कृपया कॉल पर बात करें। व्हाट्सएप पर किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता। व्हाट्सएप पर जिनको मैं साधना सिखा रहा हूँ, व्हाट्सएप पर या जो मुझसे सामग्री मंगवाते हैं उनका, जिनका कार्य करता हूँ पूजन पाठ, उनका ही संपर्क रहता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ से कभी किसी को कोई कॉल नहीं की जाती कि आइए हमारे यहाँ पूजा कराइए, बेटा ऐसा करा लीजिए, बेटा वैसा करा लीजिए। इस तरीके से कोई कॉल आती है तो बिल्कुल फेक समझिए, और अभी तक कोई शिकायत आई नहीं कि इस तरीके की कोई कॉल जाती है। हमारे यहाँ पूर्णतः वैदिक तंत्रोक्त विधि से कार्य किया जाता है, और हम कभी इस बात की गारंटी भी नहीं लेते हैं कि जैसे लोग कहते नहीं कि लो बेटा मैं मिनटों में कर दूंगा, घंटों में कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। इस तरीके की कोई भी बातें यहां नहीं की जाती हैं। हाँ, ये महामाई की कृपा है, अगर आपकी भावना सच्ची होगी, आपका कार्य सच्चा है, तो मैं इस बात का आपसे वादा करता हूं कि आपका काम भी सच्चा ही होगा। चलिए हम बताते हैं वो चमत्कारी चीज क्या है, वो चमत्कारी तरीका क्या है। आप किसी भी पूर्णिमा को सवा मीटर, किसी भी पूर्णिमा को सवा मीटर रस्सी लाना। आप कहोगे गुरुजी प्लास्टिक की रस्सी चलेगी क्या? तो नहीं चलेगी। रस्सी जो आती नहीं सुतली, मोटी सी रस्सी ले लेना जो वनस्पतियों से बनता है, जैसे सन, पेटुआ, नारियल इत्यादि, वो लाने के बाद आप एक पहले से एक चीज की व्यवस्था करना है। काले रंग का बकरा जो बहुत से लोग हमारे समाज में पालते हैं, जो पूर्णतः काला हो, कहना हमको बकरा के गले में ये बांधना है। उसी रात को ये पूरा, जैसे बांधते नहीं लपेटते हैं डॉगी वागी के, वैसे कायदे से बांध देना। और ये 15 दिन खुलना नहीं चाहिए। अब आएगी जब नेक्स्ट अमावस्या आए, तो वहीं जाना जिस जहां आपने इस रस्सी को बांधा था, बकरे को कुछ पालक वालक खिलाकर प्रणाम करके ये रस्सी आप खोल लेना। अकेले करना, ध्यान रखिएगा, ये रस्सी आप खोल लेना। एक बोतल शुद्ध शराब और गुलगुले होते हैं गुड़ के गुलगुले, साथ मीठा पान कपूर, ये लेना है, ये रस्सी लेना है। उसी रात ये ले जाके किसी नदी किनारे या तालाब के किनारे जहां धोबी कपड़े पीटते हो, वहां पर आपको बैठना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र को बोलते हुए एक एक गांठ रस्सी पर मारते चले जाइए, ठीक है? हर एक गांठ पर थोड़ी सी शराब टच कर दीजिए, सिर्फ शराब थोड़ी थोड़ी गिराते जाइए। इस प्रकार 108 गांठ मार लीजिए। जब 108 गांठ पड़ जाएगी तो उस रस्सी को जमीन पर रखिए, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा कपूर जला दीजिए। कपूर जलाने के बाद पुनः उस मंत्र को पढ़कर बोतल पूरी ऐसे आपको भैरव जी के नाम से दे देना है, पूरी शराब ऐसे गिराकर, और जो आपने गुलगुले बनाए हैं उनको भी इकट्ठा रखकर उसके ऊपर शराब गिराकर थोड़ा कपूर जलाकर ये भोग दे दें। ये देने के बाद आप घर चले आइए, इस रस्सी को साथ लेके आइएगा। ये बहुत ही चमत्कारी तरीका है। अब इस रस्सी को कादे से रखिए। अब पूछिए गुरु जी इस रस्सी से हो क्या सकता है, इससे बड़ा कमाल हो सकता है। इस रस्सी को अगर आप फोल्ड करके रख लीजिए, किसी का कोई काम हो, जैसे सामने किसी ऊपर कोई भूत बाधा रोग बाधा चिल्ला रहा, रो रहा हो, पीट रहा हो, उलझन में हो, पगलाया हुआ हो, उसको ऐसे ऐसे मारते हुए आप 21 बार 40 बार मंत्र पढ़ देंगे तो वह शांत हो जाएगा, ठीक है? इस रस्सी से किसी की दुकान बंदी, वहां जाकर जैसे झाड़ा लगाते हैं आप, वहां इसको पीट देंगे 7 बार, तो वहां से
दुकान खुल जाएगी। इस रस्सी से यानी जो भी आपको काम करना हो, झाड़ा टाइप ही, यानी फोटो पर, दुकान पर, जमीन पर, जायदाद पर, व्यक्ति पर, जीव पर, जंतु पर, यानी एनी टाइप, जहां भी काम करना हो वहां पर जैसे झाड़ा लगाया जाता है, झाड़ू लगाया जाता है, उस तरीके से ऐसे ऐसे करते 7-21 बार मंत्र पढ़ेंगे। जिस काम के लिए आप इसका मन में बोलते हुए मंत्र और कल्पना कि इसका ये मामला दूर हो, इसका ये कष्ट हरे, तो वो दूर हो जाएगा। ठीक है, मामला बहुत कठिन हो तो 2-3 दिन लगातार करना चाहिए। आप देखेंगे ये चमत्कारी प्रयोग आपको हीरो बना देगा अपने क्षेत्र से। ध्यान रहे, एक निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की दान दक्षिणा कोई देता भी है तो 1 रुपये, किसी प्रकार का चाय, लौंग, पान, बीड़ी तक का पीना मना है, बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका चारों तरफ मान सम्मान तेजी से बढ़ेगा। जय श्री राम।